A very good evening, my dear students. Welcome to Unacademy Neet. Welcome to our biotechnology session. आज क्या है बच्चों? Today is Friday. Friday आप जानते हैं हमारे last 3 days of the week they are reserved for class 12th. और class 12th का वो topic चल रहा है जिसमें से आजकल NTA and the examiners they are really into this topic. They are really liking this topic because NEET phase 2 में 2020 phase 2 में NEET 2020 phase 1 में भी biotechnology से बहुत सारे around 4 to 5 questions पूछे जा रहे हैं इस बारे. तो this becomes one of the most important chapter जिसका first part बच्चों हम last week discuss कर चुके हैं. आज आपका उसका test होने वाला है. बिल्कुल थोड़े से क्वेश्चंस, वन और टू क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू आस्क. थोड़ा पता तो चले कि आपको बायोटेक के प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस याद है या नहीं है. अगर वो याद होंगे बच्चों तभी हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स अनदर सेक्शन ऑफ दिस यूनिट दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. हमने लास्ट क्लासेस में पूरा प्रोसेस सीख लिया था जीन क्लोनिंग का. कौन से टूल बॉक्स है, कौन से एंजाइम्स है, कैसे वो प्रोसेस चल रहा है, हाउ वी आर कटिंग द डीएनए, हाउ वी आर जॉइनिंग इट, हाउ वी आर ट्रांसफॉर्मिंग एनी होस्ट ऑर्गेनिज्म, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट वी हैड डिस्कस्ड. है ना, याद है ना? अभी टेस्ट भी हो जाएगा. ध्यान रखना बच्चों, टेस्ट पक्के से होगा. स्टार्टिंग में ही जो बच्चा करेक्ट आंसर देगा उसी को आगे पढ़ाया जाएगा, बाकियों को नहीं पढ़ाया जाएगा. ठीक है. सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ क्रॉप्स, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कि कैसे हमारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स बच्चे एक तरीके से मॉडिफाई हो गए हैं, रेवोल्यूशनराइज हो गए हैं बाय द टेक्निक्स ऑफ जीन क्लोनिंग, बाय द टेक्निक्स ऑफ योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. माई नेम इज बच्चो सी पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट. आप मुझे एवरी डे यहाँ पर मिल सकते हैं. येस, दिस इज आवर चैनल अन अकेडमी नीट. जो भी बच्चे नए आए हैं फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहां पर हम सारा सब्जेक्ट, फुल सब्जेक्ट की 11th की 12th की थ्योरी करते हैं. हमारे टाइमिंग्स है बच्चों 5 PM, फर्स्ट 3 डेज क्लास 11th एंड नेक्स्ट 3 डेज दिस इज टर्न फॉर क्लास 12th, राइट? सो टेलीग्राम पर बच्चे अन अकेडमी नीट का बहुत अमेजिंग सा चैनल है जहां पर आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती हैं. कैसे ज्वाइन करेंगे? ब्राउजर में जाइएगा, क्रोम में मतलब, वहां जाकर यू हैव टू एंटर दिस लिंक livedaily.me/chat. जैसे ही आप ये लिंक डालेंगे इट विल टेक यू टू अवर चैनल. जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज अदरवाइज पता कैसे चलेगा कि मैम का सेशन आया है, सर का सेशन आ गया. इतने अमेजिंग अमेजिंग आपकी क्लासेस होती है यहाँ पर. प्लस बच्चे मेरी सारी पीडीएफ लेने के लिए यू कैन आइदर रेफर टू दिस लिंक. यहाँ ना मिले तो मेरे हर सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों सेशन खत्म होने की कुछ देर बाद ही द पीडीएफ गेट्स अपलोडेड, तो वहां से आप उस सेशन का रिविजन कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट सब्सक्रिप्शन बच्चों, अन अकेडमी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें यूट्यूब के थ्रू तो नो डाउट वी आर डूइंग एवरीथिंग, बट समटाइम्स बच्चों यूट्यूब में आपको पर्सनल अटेंशन वो नहीं मिल पाता जो आप डिजर्व करते हैं, आपको वैसा क्राउड नहीं मिल पाता, पढ़ने वाले बच्चे साथ में नहीं मिल पाते जो होने चाहिए फॉर एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन. वो चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? प्लस सब्सक्रिप्शन में, जहां पर बच्चे आप हमसे वन टू वन इंटरैक्ट करके पर्सनलाइज वे में पढ़ाई कर सकते हैं. लाइव क्लासेस होंगी, बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे आपको क्लास में, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं. देयर आर लाइव पोल्स, देयर आर लेटर बोर्ड एंड देन बच्चों टेस्ट सीरीज होती है. टेस्ट सीरीज अब प्लस वाले बच्चों को मिलती है ताकि जो हम उनको पढ़ा रहे हैं वो टाइम टू टाइम प्रैक्टिस कर लें. टेस्ट सीरीज के बाद एनालिसिस, एनालिसिस वुड बी फॉलोड बाय लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन. और प्लस में बच्चों आपको प्रॉपर एक बैच मिलेगा, है ना? 11th का बैच अलग होगा, 12th का बैच अलग होगा, ड्रॉपर का बैच अलग होगा, सो दैट यू कैन स्टडी विद द लाइक माइंडेड पीपल. ठीक है. और एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद स्टूडेंट्स यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ द प्लस बैच, मल्टीपल बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन. 11th वाले बच्चे साइमल्टेनियसली 12th में भी बैठ के पढ़ सकते हैं, ड्रॉपर बैच में बैठ के पढ़ सकते हैं. सेम गोज विद 12th एंड ड्रॉपर क्लास. मतलब वन सब्सक्रिप्शन विल गिव यू एक्सेस टू ऑल द बैचेस रनिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. ठीक है. तो कैसे लेना होगा? सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप. डाउनलोड करने के बाद जाएंगे कहां? प्लस. ये स्टेप्स है बच्चों, देख लेना, ये अभी जरूरी भी है. नीट का रिजल्ट का डे क्या है? आज का. आज बहुत सारे बच्चे डिसाइड करेंगे वेदर दे वांट टू गो फॉर अ ड्रॉप और दे would like to go for something else, and I would be really happy, I would congratulate to those students jinka already selection bache unko pakka tha aur definitely they are certain ki ho bhi jayega. So plus ke baad bache kahan jayenge? NEET UG, and then you have to click on
यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन. जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने सारे कोर्सेज आ जाएंगे. कौन सा कोर्स लेना बच्चों, कौन सा? वन मंथ में तैयारी नहीं होती, आप जानते हैं सिलेबस कितना सारा है. थ्री मंथ में भी नहीं हो पाएगी. तो आपको कौन सा कोर्स लेना है? वन ईयर एज वेल एज टू ईयर सब्सक्रिप्शन. वन ईयर उनके लिए बच्चों, ये मत सोचो कि मे में एग्जाम है, ड्रॉप करेंगे तो छह महीने का ही अप्रोक्सीमेटली टाइम है, दैट वुड बी सफिशियंट. लेट मी टेल यू, अगर इस साल का एग्जाम इतना लेट तक हुआ है, कल तक चल रहा था, तो बच्चे अगले साल का एग्जाम भी हल्का सा पोस्टपोन होने की एक्सपेक्टेशन सबको रहेगी. तो इसीलिए आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए? वन ईयर. और इफ यू आर इन क्लास 11 देन यू शुड गो फॉर बच्चे टू ईयर. टेंथ में भी पढ़ते हैं, नाइन्थ में भी पढ़ते हैं, तो भी आपको कौन सा कोर्स लेना है? टू ईयर वाला. बिकॉज तभी आप पूरा सिलेबस कर पाएंगे, सारे टेस्ट सीरीज अटेंड कर पाएंगे, सारे क्विजेज अटेम्प्ट कर पाएंगे. ठीक है, अब इन्हीं का अमाउंट भी क्या है, पर मंथ कॉस्ट सबसे कम है वन ईयर और टू ईयर का. ये कॉस्ट और कम हो सकता है कैसे? इफ यू विल यूज दिस कोड सीप्लाई. सिंपल सा कोड है बच्चों, अगर यूज करेंगे तो क्या फायदा होगा? 10% एक्स्ट्रा ऑफ ऑन दी टोटल अमाउंट. यस, जितना भी टोटल अमाउंट बनेगा ना उस पे 10% ऑफ. और ये जो कोड है इसको यूज करने से आपके सारे के सारे प्लस लेक्चर्स, यस, जितने भी टीचर्स के हैं, सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज, दे वुड बिकम ओपन टू यू. राइट बच्चों, चलिए सो लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. हाँ जी, वी हैव गॉट शिवांशु, खुशी, आरजी, यादव एक्सप्रेस, नेहा, जय, एजी ग्लोरी, अभिषेक, अंकित राज, डॉक्टर गुंजन, रोनाल, आरी, देन द्विजंश, वेरी नाइस नेम, कोमल, हरजीत, समृद्धि, महानारायण, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया. चलिए अब आप सबका क्या होने वाला है? टेस्ट. कैसा टेस्ट? पिछला चैप्टर है बच्चे, इससे लिंक्ड है, तभी मैं टेस्ट ले रही हूँ. छोटा सा टेस्ट है, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी और ये वो क्वेश्चन है जो पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं. सो यू विल गेट एन आइडिया कि हमने जो मैम की क्लास में पढ़ा था, क्या उस बेसिस पे आर वी एबल टू गिव आंसर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नॉट. सो आर यू रेडी बच्चा लोग, बता दीजिए फटाफट से, बता दो रेडी है सब बच्चे टेस्ट के लिए? यस यस है तो लिखिए फटाफट चैट बॉक्स में. कम ऑन गाइस, और जोश तो दिखा दो. एनर्जी कहाँ है आपकी? एनर्जी कैसे आती है? बाय बच्चों, हिटिंग लाइक टू दिस सेशन. कम ऑन गाइस, फटाफट से लाइक कर दो एंड गेट रेडी बिकॉज आई एम गोइंग टू चेक योर नॉलेज. कितना आपको याद रहता है? अभी देख लेते हैं कितना याद रहता है. चलिए सो द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, yes, so this question was asked in NEET 2019 Odisha examination. 2019 पिछले साल का question है, पढ़ लो इसको. match the following and you have to give me the correct answer, correct option बताना है. match the following, चलिए come on guys. restriction endonucleases, restriction exonucleases, DNA ligase, tag polymerase. मैं साइड आउट जाती हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए एंड देन गिव मी द राइट आंसर. आई विल चेक. हाँ हाँ जी, बताइए कम ऑन. पढ़ लिया, मैच करना है. फंक्शन है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, टैक पॉलीमरेज एंड देन विद देयर फंक्शन. सब कुछ पढ़ाया हुआ है, एवरीथिंग हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. कर लिया सबने? क्या बात है. काजल, हरजीत, अशका, अलीना, सबका आंसर आ रहा है. तो देख लेते हैं आर यू गाइज राइट और रॉन्ग. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, ये क्या है? दे आर सच काइंड ऑफ एंजाइम्स विच विल कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक पोजिशन. तो ए के सामने क्या आएगा हमारा? ए के सामने क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. ठीक है. रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, ये भी कट लगाएंगे. एक्सो मतलब बाहर, बाहर की साइड पे कट लगाएंगे. ठीक है. सो दे आर गोइंग टू रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स. मान लीजिए इतना बड़ा डीएनए है तो एंड्स में से हटाना है तो किसको बुला लेंगे? एक्सो को. बीच में से हटाना है तो किसको बुला लेंगे बच्चों? एंडो को. एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड. तो बी के सामने क्या आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा. ठीक है, यहां तक आपने ठीक दिया है. डीएनए लाइगेज, लाइगेज का काम होता है बच्चे जोड़ना. फेविक्विक है ये हमारी, फेविकोल है ना. सो डीएनए लाइगेज इज गोइंग टू जॉइन द डीएनए फ्रैगमेंट्स एंड टैक पॉलीमरेज. क्या था बच्चों? टैक, टी फॉर थर्मस, ए क्यू फॉर एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज, है ना बच्चों.
ओके सो इसके सामने क्या आ जाएगा, इट विल वर्क एट हाई टेम्परेचर एंड इट विल हेल्प इन द एक्सटेंशन ऑफ द प्राइमर्स ऑन द जीनोमिक डीएनए, पीसीआर में यूज होता है। तो ऑप्शन क्या बता रहे थे आप, यस अब मैंने मैच कर दिया, सब बच्चे ठीक भी दे रहे हैं, क्या बात है। यस द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। तो 2019 का अगर आप एग्जाम दे रहे होते तो आपका यहां से पढ़ने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता आंसर, है ना। चलिए यश गुप्ता, संजना, आलोक, स्वर्णा, तरुण, जसवंत, दे ऑल आर विद द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक योर नॉलेज, चेक योर ब्रेन्स, पुराना रिमाइंड करें बच्चों। एन एंजाइम कैटालाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ टीएनए इज, अगेन दिस क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम 2019 व्हिच इज लिंक्ड टू द प्रीवियस क्वेश्चन, नया नहीं है, अभी जस्ट बताया ये आपको। जिन बच्चों ने ध्यान से सुना है, मुझे करेक्ट आंसर देंगे। ऐसा एंजाइम जो न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए, एंड समझते हैं बिल्कुल एंड्स में से, कौन रिमूव करेगा, प्रोटीएज, लाइगेज, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। यस आवाज थोड़ा मैं कम करूं, बच्चे आप ऐसा करो, आवाज मेरी तो कम नहीं हो पाएगी, आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने फोन की या लैपटॉप की वॉल्यूम को क्या करें, थोड़ा सा कम कर लें, थोड़ा सा बच्चे कम कर लो, है ना। चलिए ओके ओके, द करेक्ट आंसर इज बाहर से निकालना है, एंड्स में से निकालना है, तो किसको निकाल देंगे, एक्सोन्यूक्लियस। बिल्कुल ठीक, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगले आंसर दीजिए। द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड ऑन द एग्रोज जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग, क्या है ये, स्टेनिंग विद ब्रोमोफिनोल ब्लू, एसिटोकैरमिन, एनिलिन ब्लू और एथिडियम ब्रोमाइड। चलिए सबको सिखाया हुआ है, जब हम एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते थे तो नेकेड आई से वी कुड नॉट सी दोज डाइजेस्टेड फ्रैगमेंट्स, हमें उस जेल को ना कहीं लेके जाना पड़ता था, ग्लव्स पहनने पड़ते थे, पूरा किट टाइप पहनना पड़ता था, मास्क, होल किट, ताकि ताकि बच्चों एक्सपोजर ना हो, लेकिन तब भी दिखाई नहीं देगा अगर आप उसे कलर नहीं देंगे। कलर किससे देना था, स्टेनिंग बच्चों, एग्रोज जेल में स्टेनिंग। यस कविता, जय, डॉक्टर तन्वी, यादव, विकास, रॉय, अश्विनी, एब्सोल्युटली राइट, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो एग्रोज जेल को क्या किया जाता है, पहले स्टेन किया जाता है, स्टेन मतलब कलर देना, है ना, पहले क्या करेंगे, कलर दे देंगे, कलर देने के बाद उसे नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। वो याद है किसके अंदर देखा था, बताइए, कैन वी सी इट अंडर विजिबल रेज, कौन सी रेज के अंदर देखा था, चलिए लेट मी चेक, याद है या नहीं है, बताइए बताइए, किस लाइट के अंदर दिखेगा, स्टेनिंग के बाद विजिबल लाइट में अभी भी नहीं दिख पाएगा बच्चे, बहुत ही ये यू नो इजीली मानने वाला नहीं है, कह रहा मैं विजिबल लाइट में नहीं दिखूंगा, मुझे किसी स्पेसिफिक स्पेशल लाइट के अंदर लेके जाइए। यस कौन सी रेज थी, कौन सी रेज थी, ओके ओनली आर्यन इज सेइंग कि मैम डबल आवाज आ रही है, बाकी बच्चे बताइए, इज देयर एनी इशू इन द वॉइस, एनी इशू इन द वॉइस। Yes, Sonal, absolutely right. Color देने के बाद the visualization part is done under UV rays. किसके अंडर किया जाता है, UV rays. चलिए बहुत बढ़िया। So आज जिन जिन बच्चों ने अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, honest होके, जिसको तीनों के तीनों आंसर आते थे, मतलब उस बच्चे को मेरा पिछला चैप्टर समझ आया, जिस जिसको आते थे honest होके, खुद से अपने आप को बोलिए, मुझे मत बताइए, है ना, honest होके आप सोचिए कि yes ma'am हमें तीनों आते थे, that means हमने जो पिछला चैप्टर वो ध्यान से सुना था, हमने उसके एनसीईआरटी भी रिवाइज की थी, ठीक है, और हम उस चैप्टर के अब क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर पाएंगे, क्योंकि हम एक डीपीपी भी डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड लेग ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशंस। देखो एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। सो अगर मैं बात करूं बच्चों बायोटेक्नोलॉजी की, इफ आई टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द जीन्स, जीन्स में मैनिपुलेशंस होंगी, है ना, क्या होगा, जेनेटिक मैनिपुलेशन। अब ये जो जेनेटिक मैनिपुलेशन है, इट कैन हैपन इन एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम किसी का जीन भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, वी कैन मैनिपुलेट द जीन ऑफ माइक्रोब, वी कैन मैनिपुलेट द जीन ऑफ प्लांट, फंजाई, एनिमल, कैसे करना है पिछले चैप्टर में देख लिया था। उस मैनिपुलेशन की वजह से आज हम इस फील्ड को यूज कर सकते हैं इन वेरियस अवेन्यूज, बायोटेक के बच्चे हर फील्ड में, ऑलमोस्ट हर फील्ड में आप इसकी एप्लीकेशंस, आप इसके फायदे देख लेंगे। जैसे सबसे पहले देखिए बात करें इन एनर्जी प्रोडक्शन,
पहले के टाइम पे एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती थी? इट यूज टू गेट प्रोड्यूस फ्रॉम द वॉटर, कोल, इन सब चीजों से यूज प्रोड्यूस करते थे. बट नाउ वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. सबसे बड़ा बेनिफिट किस में आया है? डायग्नोस, डिजीज को डायग्नोस करने में. याद है एक टेक्निक यूज की थी पीसीआर, है ना? क्या फंक्शन था पीसीआर का? एम्प्लीफिकेशन. उस पीसीआर को यूज कर सकते हैं टू चेक कि क्या उस पेशेंट में एचआईवी है या फिर नहीं है. तो डायग्नोस कर दिया हमने डिजीज को, डिजीज को पहचानना, म्यूटेशन को देखना, क्या इस पर्सन में म्यूटेशन है या फिर नहीं है. अगेन वी आर गोइंग टू यूज जेनेटिक्स, अगेन वी आर गोइंग टू यूज बायोटेक्नोलॉजी. बायोरेमिडिएशन, बायोरेमिडिएशन मतलब पॉल्यूशन क्लियरेंस में भी हेल्प करेगा. देन बच्चे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स टू एनहांस द न्यूट्रिएंट वैल्यू, कि उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो, है ना. और क्या होगा? टू मेक देम रेजिस्टेंट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, कि हमें पेस्टिसाइड भी कम यूज करना पड़े, फर्टिलाइजर भी कम यूज करना पड़े, लेकिन प्लांट क्या ग्रो करे, बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो करे, उसको डिजीज भी ना हो. ठीक है. थेरेप्यूटिक्स इन द फील्ड ऑफ थेरेपी एंड बच्चे इन द फील्ड ऑफ प्रोसेस्ड फूड, दीज आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. वेस्ट ट्रीटमेंट में बच्चों बायोटेक यूज होता है ना. सो स्टार्ट करते हैं कि इस बायोटेक में ठीक है. सो इन द एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बहुत जगह पर रिसर्च चल रहा है. देखो आप ये सेशन अटेंड करोगे तो आपका जो एनसीईआरटी कवरेज है प्लस जितना भी एक्स्ट्रा इस चैप्टर में चाहिए सब कुछ बच्चों यहां कंप्लीट होगा. आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है. सो एनसीईआरटी की एक एक लाइन वी आर गोइंग टू कवर एंड ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक के साथ, इस टॉपिक में से क्या आया था पिछले साल, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे उस टॉपिक को आपको तैयारी करनी है. सो इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बच्चे बहुत रिसर्च चल रहा है और जो मेजर रिसर्च चल रहा है वो किस फील्ड में चल रहा है कि एक तो बच्चे हम बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड कर पाए, सो दैट बेस्ट एनवायरमेंट प्रोवाइड कर पाए फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब एंड फॉर द एंजाइम. दूसरा बच्चे ऐसा स्टेरिलाइज्ड ऑप्टिमल कंडीशन क्रिएट कर पाए जिसपे वो कैटलिस्ट आकर एक्ट कर पाए. एक तो कैटलिस्ट ले आओ, कैटलिस्ट क्या करता है, एनहांसेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन. फिर उस कैटलिस्ट को क्या दो, प्रॉपर पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर, सब चीजें ऑप्टिमल दे दो. ठीक है. जब आपने वो चीजें दे दी तो उसके बाद जो प्रोडक्ट आया है उसको प्योरीफाई भी तो करना है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग फॉर एक्सट्रैक्शन एंड द प्योरिफिकेशन, द सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट. ये सारी चीजें हमने पिछले चैप्टर में करा था. जीन को निकाला था, वेक्टर के साथ जोड़ा था, जोड़ने के बाद बच्चे होस्ट में डाला था, फिर उसको क्या किया था, बायो रिएक्टर में ग्रो कराया था, बहुत सारी कॉपीज बना ली थी, कॉपीज बनाने के बाद बच्चे उसको प्योरीफाई कर लिया था. सो ये सारे एरियाज हैं जिसपे वेरियस बायोटेक की लैब्स, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट की लैब्स काम कर रही है. कोई सिर्फ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पे काम करता है, कोई सिर्फ कैटलिस्ट प्रोवाइड करने पे, कोई उसकी कंडीशंस को कंट्रोल करने पे काम करता है. ठीक है. सो अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, जैसा मैंने बताया एग्रीकल्चर में भी है, थेरेप्यूटिक्स में भी है, मेडिसिन में भी है, डायग्नोस्टिक में भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है. आज हम इसके पहला फायदा डिस्कस करने वाले हैं, जिस फायदे अगर वो फायदा ना मिले, अगर वो फील्ड ना हो तो हमारा जो सर्वाइवल है ना वो नियर टू इम्पॉसिबल है. कौन सी फील्ड है वो? एग्रीकल्चर. ठीक है. अब बिना खाने के बच्चों हम तो जिंदा नहीं रह सकते. हमारे पास तो भगवान ने क्लोरोफिल नहीं दिया है ना कि ग्रीन ग्रीन हो गए हैं, सनलाइट आएगी, खुद से खाना बन रहा है, स्टार्च बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है. ऐसा तो बच्चे हमें अभी सुपर पावर नहीं आई है. जिस दिन आ जाएगी तो डेफिनेटली बच्चों हम भी प्लांट्स की तरह खड़े होकर बता पाएंगे, यस वी आर ऑटो इन दिस ऑटो ड्रॉप्स. बट अभी के लिए फॉर आवर फूड रिक्वायरमेंट वी आर डिपेंडेंट ऑन, किस पे डिपेंडेंट है बच्चों? We are dependent on. Okay, Ritik Jain, ये एको का बच्चे अभी के लिए मैं क्या बोलूंगी कि आप थोड़ा सा वॉल्यूम क्या कर लीजिए, कम कर लीजिए. आई विल सी टू इट, आई विल वर्क ऑन दिस. हम इसको ठीक करके डेफिनेटली कल आपको एको नहीं होगा. अभी के लिए जस्ट डिक्रीज द वॉल्यूम. ओके. सो एग्रीकल्चर में बच्चे बहुत सारी टेक्निक्स करी गई. पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि फूड की डिमांड बहुत बढ़ गई है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी आ गया है, लोगों का जो डेथ रेट है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है तो सबके लिए खाना भी लाना पड़ेगा, फूड प्रोडक्शन हैज टू बी इंक्रीज. बहुत सारे तरीके अपनाए गए. क्या क्या किया गया?
सबसे पहले तो केमिकल यूज करना शुरू किया, फर्टिलाइजर दे दीजिए, पेस्टिसाइड डाल दीजिए, है ना, जिससे अचानक से यील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दैट इज एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। थोड़ा सा SST है बच्चों, अपनी SST जो आपने 10th क्लास में छोड़ दी थी उसके भूत को बाहर निकालिए, है ना। एग्रीकल्चर में पहला मेथड क्या है कि आप फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज कर लो, तो क्वालिटी जो यील्ड है उसका नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी। बट ज्यादा लंबे समय तक ये मेथड यूज नहीं किया जा सकता था, क्यों, बिकॉज यूज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ दीज पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर दे कैन स्टार्ट हार्मिंग द सॉइल, सॉइल पोल्यूशन लीडिंग टू वॉटर पोल्यूशन। धीरे धीरे बच्चों उसका इफेक्ट फूड चेन में आना भी शुरू हो जाता है। फूड चेन डायरेक्टली कहां तक पहुंचती है, हम तक, और किस फॉर्म में, बायो मैग्निफिकेशन। याद है नहीं है, बताइए बायो मैग्निफिकेशन याद है या नहीं है, इकोलॉजी में पढ़ा हुआ है सबने, यस इकोलॉजी में पढ़ा हुआ है सबने, ठीक है। सो बायो मैग्निफिकेशन की वजह से बच्चों द आवर फ्रूट क्वालिटी, योर वेजिटेबल क्वालिटी ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, वो हमें भी हार्म कर रहा था। एक तो ये तरीका था, ठीक है, जिसके हमने लिमिटेशंस भी देख लिए। दूसरा तरीका क्या है कि बिल्कुल ये केमिकल्स छोड़िए, किस पे आ जाइए आप, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ जाइए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में यू विल यूज मैन्योर, है ना, यू विल यूज कंपोस्ट जो कि काउ डंग से बनता है, इस तरीके से कोई केमिकल नहीं यूज करना, विच इज अ गुड वे, स्लो मेथड बट अ गुड मेथड। और आज के टाइम पर तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वालों के मजे ही मजे, क्यों, बिकॉज द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स दे आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट एट डबल प्राइसेस, जो कि होना भी चाहिए, बिकॉज दीज आर ग्रोन विद लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड दीज आर ग्रोन विद व्हिच टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम एज वेल। और तीसरा तरीका क्या है बच्चों, कि टाइम भी कम लगाना है लेकिन प्रोडक्ट भी चाहिए जिसमें पॉल्यूशन ना हो, जिसमें कोई बायो मैग्निफिकेशन हो, कि कोई हार्मफुल केमिकल हमारे तक ना पहुंचे। दैट इज गोइंग टू बी जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप, तीनों देख लेते हैं। ऑर्गेनिक में मैंने आपको बताया बिल्कुल आपने कोई केमिकल नहीं यूज करना, मैन्योर यूज करने, बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर। पेस्टिसाइड बायो मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे एज अ पेस्टिसाइड, ठीक है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे एज अ फर्टिलाइजर। याद है बच्चों हमने करा हुआ है रूट नोड्यूल्स में, है ना, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में राइजोम्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। सेम वे ये जो तुलसी है, ये जो नीम है, ये क्या है, बायो पेस्टिसाइड, ठीक है, बायो कंट्रोल मेजर्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, विच इज रियली गुड वे, स्लो है बट अच्छा वे है, बिल्कुल क्लीन वे में आपको अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स यहाँ से मिलते हैं। दूसरा तरीका कौन सा मैंने बताया, जिसमें एक्चुअल में केमिकल यूज कर रहे हैं, दोज आर फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स। आप देख रहे हैं इस वीडियो में दैट हाउ द पर्सन इज स्प्रेइंग ऑल दिस केमिकल इनटू द फील्ड। इस तरीके से बच्चों फर्टिलाइजर आपके क्रॉप्स को तो फटाफट से ग्रो करा देंगे, दे विल इंक्रीज द यील्ड, बट क्या होगा, इट इज गोइंग टू लीड टू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, जिससे अल्टीमेटली यूट्रोफिकेशन, वाटर पोल्यूशन होगा, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्या आया था पहले, 1960s में देयर वाज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में कौन था, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज नॉर्मन ई बोरलॉग। इंडियन फादर की बात करें तो कौन है, MS स्वामीनाथन। उन्होंने भी एक तरीका दिया था कि फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन, मेनली राइस और वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं बाय यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज। पूसा लर्मा, है ना, सोनालिका, ये सब वैरायटीज के नाम याद है। क्लास 9th में एक चैप्टर होता था इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, वहां ये सब किया हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। इसी ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या यूज किया गया था, यूज ऑफ केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, ताकि यील्ड बढ़े, एंड बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, बेटर मैनेजमेंट फैसिलिटीज, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में नो डाउट ये केमिकल यूज करके, अच्छा मैनेजमेंट यूज करके, अच्छी इरिगेशन यूज करके, हमने हमारी फूड प्रोडक्शन को तो ट्रिपल फोल्ड कर लिया, बिल्कुल इट वॉज सक्सेसफुल इन ट्रिपलिंग द फूड। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है इन नीट एग्जामिनेशन। बच्चों को लगता है ग्रीन रेवोल्यूशन ये तो थोड़ा जनरल है, जनरल क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, बट ऐसा नहीं है।
एनसीईआरटी की एक एक लाइन में से क्वेश्चन आएगा और ये एनसीईआरटी की ही लाइन है. ग्रीन रेवोल्यूशन हैज सक्सीडेड इन कितना, डबलिंग और ट्रिपलिंग, याद रखिए. बताइए बच्चों चैट सेक्शन में, कम ऑन गाइस टेल मी, ग्रीन रेवोल्यूशन ने फूड प्रोडक्शन को कितने टाइम्स बढ़ा दिया? डबल, ट्रिपल, 10 times, 100 times, कितने टाइम्स? बताइए बताइए, कम ऑन. सामने लिखा हुआ है, लिखी हुई चीज तो बता ही सकेंगे, है ना? मुस्कान, मनिका, सोनी, राहुल, कम ऑन गाइस. ग्रीन रेवोल्यूशन ने फूड प्रोडक्शन को कितने टाइम्स इंक्रीज किया? कितने टाइम्स? यस, कम ऑन गाइस. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. यस, अर्णव हैज गिवन मी द राइट आंसर. संध्या, तरुण विद द राइट आंसर, विद द राइट आंसर. कितने टाइम्स? यस, बिल्कुल ठीक, ट्रिपल. याद रखेंगे ये चीज, ट्रिपल टाइम्स हो गया, ठीक है. एंड फादर आर एट द वर्ल्ड लेवल ही वॉज नॉर्मन ए बॉरलॉग, एंड एट द इंडियन लेवल अगर मैं बात करूँ, इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाई यील्डिंग वैराइटीज, कॉन्सेप्ट ऑफ बचे, बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, कौन लेके आया? एम एस स्वामीनाथन. बट इसमें जो केमिकल यूज करे उन्होंने, पेस्टिसाइड यूज किया, फर्टिलाइजर यूज किया, वो हर फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता था. सारी कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम इज नॉट दैट हाई कि वो इतने एक्सपेंसिव केमिकल्स को यूज कर पाए, तो ये एक नुकसान था इसका, ठीक है. साथ ही में बच्चे, एक लिमिट तक ही पेस्टिसाइड उस क्रॉप पे एक्ट करता है, उस पे अपना असर दिखाता है. जब आप बारी बारी सेम केमिकल यूज करते हैं तो जो क्रॉप होता है, क्रॉप स्टार्ट्स बिकमिंग रेजिस्टेंट टू दैट, उस पे वो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, केमिकल काम करना बंद कर देता है. और इस वजह से बच्चे मैंने आपको बताया है, पॉल्यूशन भी होती है. तो ये मेथड भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा. अब हमें एक ऐसे मेथड पे आना है जिससे पॉल्यूशन भी ना हो, एक्सपेंसिव भी ना हो, एंड बच्चे हमारा प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन भी क्या रहे, इंक्रीज्ड रहे. सो दैट वी कैन डू बाय यूजिंग आवर बायोटेक्नोलॉजी, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. इसमें हमने क्या करना है, वी आर गोइंग टू फॉर्म सच क्रॉप्स विच आर डिजीज रेजिस्टेंट. मतलब उसमें हमें पेस्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत ना पड़े, ना ही उसमें बच्चों फर्टिलाइजर ऐड करने की जरूरत है. उस क्रॉप के जीन्स को ही आप ऐसे मॉडिफाई कर देंगे कि ना उनको डिजीज लगेगी, ना ही बच्चों उसमें अलग से फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, राइट. सो इट्स वन वे बाय विच वी कैन लिमिट द यूज ऑफ दोज केमिकल्स. सो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स करेंगे. अब कैसे इन क्रॉप्स को बनाया जाता है, क्या करा जा रहा है इनके जीन्स में? इनके जीन्स में दो चीजें हो सकती हैं. ये देखो, मान लीजिए इनका पूरा जीनोम है, डीएनए पूरा. या तो क्या कर दो, या तो बच्चे क्या कर दो, बाहर से कोई जीन, फॉरेन जीन लाकर ऐड कर दो, है ना. वन मेथड ऑफ मैनिपुलेशन इज दिस वन, कि आप कुछ ना कुछ लाकर ऐड कर दीजिए. दैट वुड बी कॉल्ड एज जीन एडिशन. क्या बोल देंगे उसको, कुछ ना कुछ ऐड किया, लेकिन मॉडिफाई कर दिया, लेकिन हमने मैनिपुलेट कर दिया. दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कि कोई अनवांटेड जीन प्रेजेंट है, अनवांटेड जीन प्रेजेंट है, उसको आप क्या कर दीजिए, उठाकर रिमूव कर दीजिए, है ना. या तो रिमूव कर दो बच्चे इस अनवांटेड जीन को, या फिर क्या कर दो, इसको साइलेंस कर दो, एक्सप्रेस ही मत करने दो. सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ वेज दैट वी विल स्टडी. कि कुछ जीएमओस बनते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनते हैं बाहर से जीन को ऐड करने में, कुछ ऑर्गेनिज्म बनते हैं एग्जिस्टिंग जीन को रिमूव या फिर साइलेंस करने से. दोनों के एग्जाम्पल्स करेंगे. आज स्टार्ट करेंगे बच्चों जीन एडिशन से. किससे स्टार्ट करेंगे, जीन एडिशन से. और इन्हीं मेथड्स के द्वारा बच्चे हम सक्सेसफुल हो गए. यस, आवर बायोटेक्नोलॉजी, आवर साइंस फील्ड इज नाउ सक्सेसफुल टू मेक सच क्रॉप्स जिनको हम कोल्ड से, ड्रॉट से, सॉल्टी कंडीशन से, हीट से, दे आर टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेसेस. सो वी आर सक्सेसफुल इन दैट. We are also successful in producing such plants जिनको ज्यादा पेस्टिसाइड नहीं चाहिए, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स. ऐसा आप केमिकल, ऐसा जीन डाल दीजिए बीच में कि उसको पेस्टिसाइड की जरूरत ही ना पड़े. रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड. और हम किस में सक्सेसफुल हुए, वी आर सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज एंड इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स एंड बच्चों एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, जिसमें आएगा आपका ये राइस, येलो कलर के राइस, जिनको बोलना है गोल्डन राइस. आज बात करेंगे गोल्डन राइस के बारे में भी, ठीक है. चलिए,
सबसे पहला एप्लीकेशन करने वाले हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसमें से नीट फेज वन में मल्टीपल क्वेश्चंस आए, एक नहीं मल्टीपल क्वेश्चंस आए हैं इसी पोर्शन में से. पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स कैसे बनते हैं? सो अगर हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दें तो हमें पेस्टिसाइड मतलब केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी. यही हमारा पर्पज है कि प्लांट को केमिकल ना दें. केमिकल नहीं देंगे तो बच्चे नेचुरली प्लांट विल कीप ऑन ग्रोइंग ऑन. हमारी सॉइल को भी पोल्यूशन नहीं होगा, वाटर को भी पोल्यूशन नहीं होगा. सो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट से बच्चों, वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वन वेरी फेमस प्लांट दैट इज बीटी कॉटन. बीटी कॉटन कौन है? बीटी कॉटन एक कॉटन का प्लांट है. साथ में इसके बीटी क्यों लगाया है? दिस बीटी स्टैंड्स फॉर अ बैक्टीरिया दैट इज बैसिलस थुरिंजियेंसिस. क्या नाम है बच्चों? पहला क्वेश्चन नीट का कि जो बीटी है, बीटी की फुल फॉर्म क्या है? क्यों इस कॉटन को बीटी बोला? क्योंकि इस कॉटन के अंदर उस बीटी का क्या है, जीन प्रेजेंट है, बैसिलस थुरिंजियेंसिस. चलिए सब बच्चे लिख के बताइए, सब बच्चे इस बीटी का फुल फॉर्म मुझे लिखकर बताइए. यस, सोनी अंकित, देन हैशटैग्स रंजीत कुमार, मुस्कान वर्मा, शाजिया, आर्यन, के सलमान. ये बातें हो गई आपके आपस में? कितनी सारी बातें चल रही है ना. हाय, हाउ आर यू, रिजल्ट कैसा रहा, कब आएगा, कितने नंबर आए? बच्चे आप तो 2021 वाले हैं ना, मोस्टली बच्चे 2021 वाले हैं, तो आप अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आना है बाद में. हाँ जी, इसी में से क्वेश्चन आना है. सो बीटी कॉटन, बीटी कॉटन इज कॉल्ड एज बीटी कॉटन बिकॉज इट हैज गॉट जी पार्ट ऑफ जीन फ्रॉम दिस बीटी. बीटी इज अ बैक्टीरिया, बैसिलस थुरिंजियेंसिस. अब बीटी कॉटन बच्चे एक कॉटन का क्रॉप है जिसको हमने क्या बना दिया है, पेस्ट रेजिस्टेंट. किस पेस्ट के बारे में बात हो रही है? इंसेक्ट के बारे में बात हो रही है. सो बीटी कॉटन इज एक्चुअली इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप डिजाइन टू कॉम्बैट कॉटन मेजर इंसेक्ट दैट इज बॉलवॉर्म. किसको हमने किल करना है, कौन से इंसेक्ट को एक्ट नहीं होने देना है, दैट इज बॉलवॉर्म. एज आई हैड टोल्ड यू, बीटी क्या है, बैसिलस थुरिंजियेंसिस. बहुत बढ़िया. एक दूसरे का कॉपी तो नहीं करते हैं, एक दूसरे का कॉपी तो नहीं कर देते हैं कि एक बच्चे ने लिखा फटाफट से कॉपी ताकि डिफिकल्ट स्पेलिंग ना लिखना पड़ जाए. सो बीटी इज बैसिलस थुरिंजियेंसिस, बीटी बोलेंगे शॉर्ट में. सो बीटी एक बैक्टीरिया का नाम है. ये बैक्टीरिया क्या है बच्चे, यूजुअली ना, ये मैं आपको इसका साइकिल बताती हूँ. एक है इंसेक्ट, इंसेक्ट कौन है हमारा, पेस्ट. बचाना किसको है, ध्यान से समझ लो, बचाना किसको है हमने, क्रॉप को. क्रॉप मतलब प्लांट को बचाना है. किससे? इस इंसेक्ट से बचाना है. बीच में सीन में किसको लेके आए हम, किसको लेके आए, एक बैक्टीरिया को लेके आए, दैट इज बीटी. अब बीटी बहुत शातिर था. बीटी क्या था बच्चे, बीटी is okay, it usually forms the part of insect diet. In response, इस bacteria ने क्या किया, एक defense mechanism बना लिया against those insect. देखो जो plant है ना, plant के जो पत्ते हैं, on the leaves of the plant, ये मान लीजिए प्लांट के लीव्स है, इन प्लांट्स के लीव पर कौन रहता है, ये बैक्टीरिया रहता था. अभी मैं मॉडिफिकेशन नहीं कर रही हूँ, जस्ट बता रही हूँ कि कैसे पता चला कि यूज किया जा सकता है. सो ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट दिस बीटी द बैक्टीरिया यूज टू स्टे. जब इस प्लांट को खाने के लिए कौन आया, इंसेक्ट आया, ठीक है. इंसेक्ट आते थे, वो लीफ को खाते थे, साथ ही में कौन चला जाता था, बीटी भी चला जाता था. अब ये बैक्टीरिया ने क्या किया, इन रिस्पॉन्स टू दिस उसने एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाया. बैक्टीरिया के पास बच्चे ऐसे जीन्स हैं जो एक टॉक्सिन बनाते हैं. बैक्टीरिया के अंदर एक टॉक्सिन बनता है जिसको क्या बोला जाता है, एंडोटॉक्सिन. और जब ये एंडोटॉक्सिन इंसेक्ट के अंदर जाता था तो इंसेक्ट की हालत खराब, पेट में दर्द. पेट में दर्द मतलब पेट में छेद होने शुरू हो जाते थे. कौन सा पेट, कौन सी गट, मिड गट के अंदर. सो दिस वॉज अ नेचुरल मैकेनिज्म डेवलप्ड बाय दिस बैक्टीरिया अगेंस्ट द इंसेक्ट. क्योंकि इंसेक्ट ने बैक्टीरिया को क्या करना शुरू कर दिया था, अटैक करना शुरू कर दिया था. तो बैक्टीरिया ने भी कहा हम पीछे नहीं रहेंगे, हम भी क्या करेंगे बच्चे, स्पोरुलेशन करके हम ऐसे प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाएंगे. इन क्रिस्टल्स के द्वारा क्या बनेगा, एक ऐसा टॉक्सिन जो अगर इंसेक्ट के अंदर जाएगा तो इंसेक्ट की गट का हो जाएगा बच्चे, उसमें बहुत सारे पोर्स आ जाएंगे, उसमें बच्चे बहुत सारी लाइसिस हो जाएगी और उसके पेट में गड़बड़ कर देंगे. तो ये एक टेक्निक थी, इसको यूज किया बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने. बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि इन लीव्स
इंसेक्ट्स पर ऐसा क्या था जिससे इंसेक्ट मर जा रहे हैं? उन्होंने इंसेक्ट की गट चेक करी, खोल के देखा कि ये एक्चुअली में बैक्टीरिया कर क्या रहा है। देखा, खोल के देखा तो उनकी गट में बहुत सारे पोर्स हो रखे थे। तो यही चीज हमारे जेनेटिसिस्ट, हमारे साइंटिस्ट ने यूज किया कि लेट अस टेक द जीन ऑफ द बीटी जो कि क्या बना सकता है, ये टॉक्सिन बना सकता है, और इस जीन को किस में डाल दो, प्लांट में डाल दो। बैक्टीरिया बीच में से मीडिएटर गायब। अब इंसेक्ट अगर ये प्लांट को खाएगा तो उसके अंदर फिर से पहुंचेगा वही टॉक्सिन, और टॉक्सिन विल अगेन प्रोड्यूस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पोर इन द मिडगट ऑफ द इंसेक्ट। दोबारा से सुनो, वन बाय वन सुनो। ये देखो, बीटी के अंदर बच्चे देयर वाज अ टॉक्सिन प्रोटीन जो कि बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रहता था। किस फॉर्म में? प्रोटॉक्सिन। बच्चों जब भी किसी चीज के आगे आ जाए प्रो, प्रो का मतलब होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव फॉर्म में बैक्टीरिया के अंदर रहता था, अंदर रहता था, इसीलिए इसको बोला जाता है एंडोटॉक्सिन। एंडो मतलब इनसाइड, इनएक्टिव फॉर्म में रहता था, ठीक है। ये एक्टिव तभी होगा, इट कैन कन्वर्ट इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म only when it will get alkaline pH, जो कि कहां पर मिलती है, in the mid gut of insects। बहुत 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 important line, very 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 important, NEET के exam में पूछी जा चुकी है, दोबारा भी पूछी जा सकती है, NCERT की line है, और NCERT को तो बच्चे हमने घोल के पी जाना है यहाँ पर, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं कि bacillus के अंदर टॉक्सिन बन रहा है, उसके पास एक जीन है जिसको बोला जाता है क्राइजीन। क्राइजीन ने क्या बनाया? टॉक्सिन बनाया, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में बनाया, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे? प्रोटॉक्सिन। बनाया कहां? बैक्टीरिया के अंदर, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे? एंडोटॉक्सिन। दो नाम आ गए बच्चों इस टॉक्सिन के, प्रोटॉक्सिन ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोटॉक्सिन, डेल्टा एंडोटॉक्सिन भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये एंडोटॉक्सिन एक्टिवेट कब होगा? एक्टिवेट कब होगा? जब इंसेक्ट इसको खाएंगे। इंसेक्ट ने अगर इसको कंज्यूम किया तो पहुंचा ये उसकी मिडगट में। क्या मिला उसको? पीएच मिला। कितना? मोर देन 7। मोर देन 7 मतलब एल्कलाइन पीएच मिलने की वजह से इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग पोर्स इन द वॉल ऑफ दैट गट। आर यू विद मी? नहीं बच्चे, हमें कोई हार्म नहीं करेगा, बैक्टीरिया इटसेल्फ को भी हार्म नहीं करेगा। यहाँ ऊपर क्वेश्चन में क्या है? व्हाई दिस टॉक्सिन इज नॉट अफेक्टिंग द बैक्टीरिया? बैक्टीरिया खुद बना रहा है, लेकिन किस फॉर्म में बना रहा है? इनएक्टिव फॉर्म में बना रहा है। वो एक्टिव कब जाकर हो रहा है? इनसाइड द गट ऑफ द इंसेक्ट हैविंग एल्कलाइन pH, ठीक है। सो प्रोटॉक्सिन व्हेन इट विल बी कंज्यूम्ड बाय द इंसेक्ट, इट विल गेट एक्टिवेटेड। अचानक से इसमें एनर्जी आ जाएगी, है ना, एक्टिवेट हो गया, क्योंकि इसको बच्चे अपना फ्यूल मिल गया। फ्यूल इज एल्कलाइन pH, ठीक है। अब एक्टिव होने के बाद इट इज गोइंग टू बाइंड टू द मिडगट। ये एक एक लाइन, एक एक वर्ड बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज गोइंग टू बाइंड टू द मिडगट एपिथेलियल सेल्स। क्या क्रिएट करेगा? बहुत सारे छेद, पोर्स, पोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगी बच्चे? लाइसिस, ब्रेक डाउन, सेल स्वेल करेंगे, ब्रेक करेंगे, एंड इवेंचुअली इट विल कॉज द डेथ ऑफ द इंसेक्ट। आप देख सकते हैं इस इंसेक्ट को कि इंसेक्ट आया, इसने क्या किया? बीटी वाला क्रॉप कंज्यूम किया। जरूरी नहीं है बीटी कॉटन हो, बीटी मेज भी है, बीटी सोयाबीन भी है, बीटी ब्रिंजल भी है। इसने क्या किया? क्रॉप को कंज्यूम किया, थोड़ा सा क्रॉप खाया। अब वो क्रॉप तो क्या था? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड में हमने प्रोटॉक्सिन वाले जीन डाले हुए थे, ठीक है। जैसे क्रॉप को खाया तो अंदर जाके जीन एक्सप्रेस करे, टॉक्सिन बना, टॉक्सिन को एल्कलाइन पीएच मिला, वो एक्टिवेट भी हुआ। एक्टिवेट होने के बाद बच्चे क्या होगा? इट विल लीड टू अल्टीमेट स्टारवेशन। देखो, अगर पेट में छेद हो जाएंगे तो कुछ खाया हुआ डाइजेस्ट नहीं होगा, कितना भी खा लें डाइजेस्ट नहीं होगा, तो अल्टीमेटली हमारी खाने की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। बॉडी क्या कर रही है? स्टार्व करने लगी है ना, जैसा हड़ताल में हो जाता है, भूख हड़ताल पे चले गए, तो बॉडी में क्या हो गई है? स्टारवेशन हो गई है, टिश्यूज तक एनर्जी नहीं पहुंचेगी, एनर्जी नहीं पहुंचेगी तो अल्टीमेटली द इंसेक्ट विल डाई। सो क्या बनाइए, किसका एग्जाम्पल है? हमने यहाँ इंसेक्ट को किल किया, इंसेक्ट कौन था? पेस्ट। पेस्ट को किल करने वाले केमिकल्स क्या कहलाते हैं? पेस्टिसाइड्स। लेकिन यहाँ पर केमिकल नहीं यूज किया, यहाँ पे बच्चों हमने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर लिया,
बैसिलस लिविंग था ना, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज हो जाएगा? बायो पेस्टिसाइड बोल सकते हैं. यस और नो गाइस, कम ऑन, टेल मी बच्चों, कैन वी कॉल दिस एज बायो पेस्टिसाइड? हाँ जी बताइए बायो पेस्टिसाइड. हाँ जी, क्विज होगा, क्विज अभी इस सेशन के बाद इसका भी होगा. छोटे से मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, चेक योर नॉलेज वाला अपना जो सेक्शन है जो अब हमेशा होगा, एंड एक अनअकैडमी क्विज भी होगा. बताइए क्या इसको बायो पेस्टिसाइड बोल सकते हैं, क्योंकि हमने पेस्ट को किल कर दिया लेकिन बिना केमिकल यूज किए, सिर्फ बायोलॉजी यूज करके, बैसिलस को यूज करके, उसके जीन को यहाँ पर डालकर हमने एक्सप्रेस करा दिया हमारे प्लांट में, और प्लांट क्या बन गए? जेनेटिकली मॉडिफाइड. यस, दिस टॉक्सिन इज इंसेक्ट स्पेसिफिक. आगे आने वाला है कौन से इंसेक्ट के लिए कौन सा टॉक्सिन, ये देखिए. सो द जीन्स एनकोडिंग बीटी टॉक्सिन, ठीक है, दे प्रोवाइड रेजिस्टेंट अगेंस्ट द पेस्ट विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड. वही हो गया, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड. तो किसका एग्जांपल है? बायो पेस्टिसाइड. कौन कौन से क्रॉप्स हम आज तक बना चुके हैं बाय यूजिंग दिस बैसिलस? बीटी कॉटन, बीटी राइस, बीटी टमेटो, बीटी पोटेटो, एंड बीटी ब्रिंजल भी आता है, सोयाबीन भी आता है. मैंने बताया था कि जनरली ये बैसिलस कहाँ बैठा होता है? लीव्स पर बैठा होता है. आपका इंसेक्ट आया, लीव्स को कंज्यूम किया, अंदर लिया, अंदर लेने के बाद बच्चे इंसेक्ट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसके मिडगट में क्या हो जाते हैं? छेद हो जाते हैं. इसी कॉन्सेप्ट को हमारे साइंटिस्ट, हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने यूज किया. बैसिलस से क्या उठाया? बैसिलस बीटी से क्या उठाया? एक जीन जिसका नाम है क्राइजीन. ये क्राइजीन को किस में डाल दिया? प्लांट्स में. अब प्लांट्स के अंदर इस क्राइजीन ने क्या बनाना शुरू कर दिया? एंडोटॉक्सिन, जो कि इनएक्टिव है. जब ये जाएगा बच्चों हमारे टारगेट इंसेक्ट की तरफ, इंसेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा? एक्टिव. एक्टिव होने के बाद बच्चे इंसेक्ट का काम खत्म, बस. अब उसकी जो टिश्यूज तक एनर्जी है वो नहीं पहुंच पाएगी, बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगी. भूख की वजह से खा रहे हैं लेकिन बच्चे वो एनर्जी नहीं बना रहे, क्योंकि क्या हो चुकी है? स्टार्वेशन वाली कंडीशन आ गई. सो इंसेक्ट विल अल्टीमेटली डाई. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर आर स्पेसिफिक जीन्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स. ऐसा नहीं है कि एक ही जीन हर प्लांट में डाल सकते हैं. नो, हर प्लांट के लिए अलग टाइप का जीन है जो हम कहां से आइसोलेट कर लेंगे? बैसिलस थुरिंजियंसिस से आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है. सो द चॉइस ऑफ जीन विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट, कि किस टाइप का प्लांट है, हमारा टारगेट इंसेक्ट कौन सा है, पेस्ट कौन सा है, ठीक है. बिकॉज बीटी टॉक्सिन, अगेन वन लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट बीटी टॉक्सिन दीज आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक. क्या है बच्चों ये बीटी टॉक्सिन? दीज आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, ठीक है. टॉक्सिन कौन से जीन से कोड होंगे? जीन का नाम पता होना चाहिए सबको. जीन का नाम क्या है? क्राए, रोने वाला जीन. ये रोता खुद नहीं है, ये किसको रुला देता है? हमारे इंसेक्ट को रुला के रख देता है. यस, इस जीन के पास इतनी पावर है कि इसने इंसेक्ट को रुला के रख देना है कि सब खा रहे हैं फिर भी बच्चे एनर्जी नहीं आ रही और स्टारवेशन से डेथ हो जाती है उनकी. सो टॉक्सिन इज एनकोडेड बाय द जीन, द नेम इज क्राए, ठीक है. अब इसको क्राए क्यों बोला? हमने तो याद कर लिया कि इंसेक्ट को रुला देगा, लेकिन एक्चुअली मैं इसको क्राई इसीलिए बोला बिकॉज इट कोड्स फॉर अ प्रोटॉक्सिन क्रिस्टलाइजिन प्रोटीन. ये इंपॉर्टेंट चीज है. किसके लिए कोड करेगा? एक एंडोटॉक्सिन, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो? प्रोटॉक्सिन बोल सकते हो. क्या नाम है उसका? क्रिस्टलिन प्रोटीन्स. इसी वजह से इसका नाम है क्राइजीन, ठीक है. दीज क्राइजीन्स दीज आर इफेक्टिव अगेंस्ट, किस किस को किल कर सकते हैं बच्चे? दे कैन किल इंसेक्ट्स बिलोंगिंग टू लेपिडोप्टेरन्स, जिसमें आ जाएंगे बच्चों आपके टोबैको बड वॉर्म, आर्मी वॉर्म्स. दीज आर ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट द लार्जेस्ट क्लास इन द इंसेक्टा, दैट इज कोलियोप्टेरन्स, जिसमें बीटल्स आ जाएंगी. एंड दीज आर ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट डायप्टेरन्स, विच विल इंक्लूड योर फ्लाइज, विच विल इंक्लूड योर मस्कीटोज. तो आप इमेजिन करो एक बैक्टीरिया का जीन, कौन सा बैक्टीरिया? बीटी का क्राई जीन कितना हेल्प कर सकता है हमें, कितने सारे पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट को खत्म कर सकता है. कि बड बॉम से बचना है तो क्या डाल दो? क्राइजीन. बीटल से बचना है, फ्लाइज से बचना है, मस्कीटो से अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखना है तो क्या डाल दीजिए? आप ये जीन को इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है. सो देयर आर नंबर ऑफ देम्स एंड द प्रोटीन एनकोडेड बाय जीन Cry1AC एंड Cry2AB दे कंट्रोल कॉटन बॉल वॉर्म. अब ये चीज बच्चों अपने माइंड के अंदर अभी घुसाना है. एनसीईआरटी
कंपनी ने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में से क्वेश्चन बनता ही बनता है. क्राई वन एसी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, क्राई वन एसी ठीक है, एंड क्राई टू एबी किसके लिए है? कॉटन, कॉटन बॉल वॉर्म के लिए, बॉल वॉर्म के लिए ठीक है. ये है हमारा कॉटन बॉल वॉर्म, देख रहे हो, दिस इज कॉटन बॉल वॉर्म. अनदर जीन दैट इज क्राई वन ए बी, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, थोड़ा टाइम लगेगा लर्न करने में. दैट इज क्राई वन ए बी किसके लिए? कॉर्न्स के लिए. छल्ली खाई है सबने, छल्ली को और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, भुट्टा भी बोलते हैं, है ना. दैट छल्ली, छल्ली को खराब करने वाला इंसेक्ट कौन है? कॉर्न बोरर. उसके उससे बचने के लिए कौन सा जीन डालना पड़ेगा? क्राई वन ए बी. यस बच्चों, आर यू विद मी? हाँ जी, पढ़ने आएंगे रोज, क्या बात है, समझ आ रहा है सबको. बीटी टॉक्सिन का पूरा प्रोसेस बताइए, डिड यू गेट, या दोबारा करना है, समझ आया या फिर दोबारा करेंगे. अब ये देखिए, दिस इज द फिगर ऑफ एनसीईआरटी. आज से बच्चों, आज से क्या, वैसे मैं हमेशा इंक्लूड करती हूँ, बता देती हूँ कि मैं हमेशा एनसीईआरटी की फिगर जरूर आपको दिखाया करूंगी, बिकॉज कई बारी वो फिगर डायरेक्टली पूछ लेते हैं आपसे, डायरेक्ट, यस डायरेक्ट फिगर कैन बी आस्क्ड, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. तो ऐसे आपको दिया हुआ एनसीईआरटी में, ए और बी ध्यान दीजिए. ये ऐसा कॉटन का बॉल है, कॉटन एक्चुअली बॉल्स की फॉर्म में बनती है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट कॉटन ठीक है, ऐसा दिखता है कॉटन का. किस किस ने देखा है कॉटन का फील, देखा है किसी ने, किस किस ने देखा हुआ है, कम ऑन टेल मी, जिस जिसने कॉटन का फील देखा है, कम ऑन टेल मी इन द चैट सेक्शन. हाँ जी देखा है, ओके ओके यस. छल्ली इज कॉर्न बच्चों, एंड बुट्टा इज ऑल्सो कॉर्न. कॉर्न बोरर से बचना है, क्या डालना पड़ेगा? क्राई वन ए बी. सो अगर तो हमारी कॉटन नॉर्मल है, फुली मेच्योर कॉटन बॉल विल अपियर इन बी पार्ट ठीक है, लेकिन अगर इस पे इंसेक्ट्स का अफेक्ट आ जाए, इंसेक्ट्स क्या इन्फेक्शन आ जाए, बॉल बॉम्ब्स आ जाए, तो इस तरीके से हमारा डिस्ट्रॉयड कॉटन दिखता है, डिस्ट्रॉयड बाय बॉल बॉम्ब्स. इसी से बचने के लिए हमने किसका हेल्प लिया? बीटी का, क्योंकि बीटी के पास क्या था? क्राइजीन, जो कि क्या कोड कर सकते हैं, एक प्रोटीन दैट इज एंडोटॉक्सिन. क्यों बोला इसको एंडोटॉक्सिन? क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर बनता है ठीक है, डेल्टा एंडोटॉक्सिन भी बोल सकते हो. ये एंडोटॉक्सिन बच्चे किस फॉर्म में रिलीज होता है? प्रो, प्रो मतलब इनएक्टिव. लेकिन एक्टिव कब होगा? व्हेन इट विल एंटर इनटू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट. कैसे एक्टिव होगा? व्हेन इट विल गेट एल्कलाइन पीएच. माइंड मैप बन गया बच्चों आपका, एल्कलाइन पीएच बनेगा तो ये एंडोटॉक्सिन क्या हो जाएगा? एक्टिवेट. एक्टिवेट करके उसकी गट के किस हिस्से को अफेक्ट करेगा? मिड गट. क्या इफेक्ट करेगा? इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग पोर्स इन द वॉल ऑफ द मिड गट, जिससे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होगा, अल्टीमेटली दे विल स्टार्ट टू डेथ. चलिए तो ये एग्जाम्पल थी यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड, जिसमें हम क्या बना रहे हैं, जिसमें वी आर ट्राइंग टू मेक द प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट. एक और एग्जाम्पल बात करते हैं आज हम बायोटेक की, जिसमें बच्चों वी आर ट्राइंग टू एड न्यूट्रिशनल वैल्यू टू प्लांट. अलग अलग एप्लीकेशन है, प्लांट से ही रिलेटेड है. ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछली एप्लीकेशन में हमने प्लांट को इंसेक्ट से बचाया था, पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया था. इस एप्लीकेशन में हम प्लांट के अंदर एक न्यूट्रिएंट वैल्यू, कोई न्यूट्रिएंट ऐड करने जा रहे हैं, है ना. सो दैट इज गोल्डन राइस. पिछले साल इस पे क्वेश्चन आया था, वेरी इंपॉर्टेंट. गोल्डन राइस, राइस का साइंटिफिक नेम सबको पता है, दैट इज ओराइजा सेटाइवा. राइस वैसे गोल्डन तो नहीं होते हैं, राइस किस कलर के होते हैं हमारे? व्हाइट कलर के होते हैं. लेकिन बच्चों हमने क्या किया, राइस को मॉडिफाई किया, जीन्स मैनिपुलेट करे और क्या बना दिया इसको? गोल्डन कलर का बना दिया. क्यों बनाया? रंग की वजह से तो नहीं बनाया कि हाँ गोल्डन दिखने में अच्छा है तो मजा आएगा खाने में, ये मतलब नहीं था. हमने यहाँ पर राइस को क्या किया, मैनिपुलेट किया, ताकि हम राइस को, राइस के अंदर हम ऐसा जीन डाल दें जिसकी अल्टीमेट हेल्प से हम विटामिन ए बना पाए. देखो हमें तो इतनी जरूरत नहीं है, आवर कंट्री इज स्टिल बेटर, बट ऐसी बहुत सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, देर आर पुअर कंट्रीज जिनका पर कैपिटा इनकम उतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ के जो लोग हैं दे कैन नॉट अफोर्ड फ्रूट्स एंड यू नो वेजिटेबल्स विच आर हाईली रिच इन विटामिन ए. उनका जो स्टेपल फूड है वो क्या है? चावल है. उन्होंने मेनली क्या खाना होता है? चावल. दे आर नॉट कंसर्न मच विथ फ्रूट्स.
तो उन पुअर कंट्रीज में क्या किया कि अगर वो सबसे ज्यादा चावल खाते हैं तो लेट अस मैनिपुलेट दीज चावल, राइस के अंदर ही हम क्या डाल देंगे, ऐसा जीन डाल देंगे जिससे उसकी बॉडी में क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, विटामिन ए बनना शुरू हो जाएगा। सो गोल्डन राइस बच्चों इट्स अ ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ राइस, पहली चीज। इस ट्रांसजेनिक वैरायटी में क्या चीज डाल दी है हमने, बीटा कैरोटीन वाला जीन। अगर राइस के अंदर बीटा कैरोटीन वाला जीन होगा, बीटा कैरोटीन क्या है, इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ, पढ़ रखा है आपने, प्रिकर्सर ऑफ विच विटामिन, विटामिन ए। एंड विटामिन ए इज वेरी मच नेसेसरी फॉर योर आईज। आईज के लिए नेसेसरी है या नहीं है, है ना। आज जिन बच्चों की आंखें खराब हैं, है ना, जिनको स्पेक्स लगी हुई है, उनको यही बोला जाता है कि अभी भी अपनी आईज को बचाने के लिए योर डाइट शुड बी वेरी मच रिच इन विटामिन ए व्हिच इज मेनली प्रेजेंट इन येलो कलर्ड फ्रूट्स, ठीक है। तो उन कंट्रीज में जहां पर लोग फ्रूट्स को इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो मेनली चावल खाते हैं, उसमें चावल को मॉडिफाई कर दिया है और चावलों के अंदर, राइस के अंदर बच्चे, वी हैव added a gene which can code for beta-carotene. Beta-carotene अगर body में जाएगा तो क्या होगा, it will start forming vitamin A. किसने टेक्निक बनाई, इट वॉज डेवलप बाय बच्चों इंगो पोट्राइकस एंड पीटर बेयर टू कॉम्बैट विटामिन ए डेफिशिएंसी एज दिस कुड एक्यूमुलेट मोर बीटा कैरोटीन, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारे नॉर्मल राइस में, ये हमारे नॉर्मल चावल हैं, दीज आर नॉर्मल राइस, है ना, वाइट इन कलर, वी लव राइस, है ना। आवर साउथ इंडिया पीपल दे आर रियली फॉन्ड ऑफ दिस फूड, इवन वी आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ दिस फूड, है ना। लेकिन जो मॉडिफाइड राइस हैं, मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड, दे आर गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, ठीक है। इनके कलर की वजह से, इनका जो ग्रेन है उसके हस्क का जो कलर है दैट इज येलोइश इन नेचर, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, गोल्डन राइस बोला गया है। अब इस गोल्डन राइस में एक चीज ज्यादा है व्हाइट वाले से, क्या चीज ज्यादा है बच्चों, इसमें होगा बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन, जो कि अल्टीमेटली अगर हम कंज्यूम करेंगे, इन राइस को खाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में विटामिन ए बन जाएगा और हमें वो फ्रूट कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो द सीड्स ऑफ राइस दे आर येलो इन कलर, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज गोल्डन। किन कंट्रीज में बच्चे यूज किया जाता है ज्यादा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनका पर कैपिटा इनकम क्या है, बहुत कम है, ठीक है। सो इट्स वन ऑफ द वे बाय विच वी कैन डील विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब कहां से लिया गया, मैंने बोला कि राइस के अंदर क्या करना है आपको, बीटा कैरोटीन वाला जीन डाल देना, इसको एन कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा एन, सो जीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ कैरोटीन, समझ लो बच्चों फ्लावर में से लिया गया, कौन सा फ्लावर, ब्यूटिफुल फ्लावर, दैट इज डैफोडिल, नार्सिसस सूडो नार्सिसस। यहां से हमने क्या किया, बीटा कैरोटीन वाला जीन निकाला, एग्रोबैक्टीरियम यूज करके किसमें डाल दिया, राइस के अंदर डाल दिया, और राइस बच्चे जब ग्रो करेंगे उसमें भी क्या होगा, वही वाला जीन, जब हम कंज्यूम करेंगे तो जीन विल एक्सप्रेस, इफ इट विल एक्सप्रेस तो बच्चे प्रोटीन बनेगा और उस प्रोटीन से हम क्या बना लेंगे, विटामिन ए। डिड यू गेट दिस, तो गोल्डन राइस बनाने के लिए फॉरन जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां से लिया, डैफोडिल से, ब्यूटिफुल येलो कलर फ्लावर दिख रहा है सबको, एवरी वन। हाँ जी बताइए, आर के राहुल, मोहम्मद आकिब, अजमत, अजीत, देन विश, पुणे, बड़े इंटरेस्टिंग नाम्स है, प्रतीक्षा, गुरप्रीत, समझ आया सबको गोल्डन राइस, क्योंकि गोल्डन राइस पे अभी एक क्वेश्चन आने वाला है, जो अगर आपने आंसर ना दिया ना फिर देखिएगा। चलिए चलिए, ओके, सो दीज आर द टू एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आज हमने दो एप्लीकेशंस की, एक में हमने किया बीटी टॉक्सिन के बारे में, दूसरे में हमने किया गोल्डन राइस के बारे में। बीटी टॉक्सिन में वी वर मेकिंग द प्लांट, क्या बना रहे थे, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट, कुछ ना कुछ ऐड करके। गोल्डन राइस में भी जीन एडिशन का ही एग्जाम्पल है, वी आर नॉट मेकिंग इट इंसेक्ट रेजिस्टेंट, वी आर रादर एनरिचिंग इट विद वन न्यूट्रिएंट दैट इज विटामिन ए, है ना, बाय अगेन जीन एडिशन। सो नाउ बच्चों इट्स टाइम टू चेक योर नॉलेज, सो आर यू रेडी। हाँ जी, आज के ही सेशन के बेस पर आपकी नॉलेज चेक होने वाली है, जो अभी पढ़ाया है उसी में से पूछूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों साथ साथ। यस, सब बच्चे रेडी हैं, सब बच्चे रेडी हैं, तो फिर सेशन पे एनर्जी मुझे कम दिख रही है, पहले सबसे पहले सेशन को लाइक करिए, रिवाइज कर लो, अगर वीडियो में पीछे जाके देखना है तो देख लो। अभी के लिए आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं विच विल टेस्ट योर करंट नॉलेज ओनली, ठीक है,
ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 देखो 2019 का पेपर कैसे इस चैप्टर में से भरा हुआ है कैसे भरा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस कम ऑन गाइस गिव मी द राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस पहला इट्स अ वाइटामिन ए एनरिच्ड विद अ जीन फ्रॉम डैफोडिल इट इज पेस्ट रेजिस्टेंट विद जीन फ्रॉम बीटी इट्स ड्रॉट रेजिस्टेंट डेवलप्ड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम इट हैज येलो ग्रेन्स बिकॉज ऑफ द जीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्रिमिटिव वराइटी ऑफ राइस अभी कराया है अभी ये तो सबके लिए ईजी होगा सबके लिए ईजी हाँ जी होगा अश्विनी क्विज होगा आज बताइए कम ऑन राइट आंसर दे दिया सबने गोल्डन राइस गोल्डन इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर हमने एक जीन डाला है कहां से लिया नार्सिसस सूडोनार्सिसस डैफोडिल जिसकी वजह से अल्टीमेटली जिस ऑर्गेनिज्म में जाएगा बीटा कैरोटीन से क्या बनेगा विटामिन ए सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वेरी नाइस सो नीट 2019 वाले पेपर का आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया नेक्स्ट अगेन फ्रॉम 2019 नीट एग्जामिनेशन What triggers the formation, the activation of protoxin to active BT toxin of BT in bollworms? Boil आ गया बच्चों क्या लिख दिया इन्होंने यहां पर क्या आ गया बच्चे यहां पर Boil आ गया but actually में it is ball, ठीक है double L, right? Come on guys. किसकी वजह से एक्टिवेशन होता है प्रोटॉक्सिन का प्रो मैंने आपको वर्ड सिखाया हुआ जब भी वर्ड आ जाए प्रो किसी के भी आगे लगाओ ठीक है या फिर किसी के बिलाश में ओजन लगाओ इस प्रिकर्सर का मतलब होता है मतलब इस प्रीफिक्स का मतलब होता है इनएक्टिव ठीक है सो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन एक्टिव में कब कन्वर्ट होता है बताइए ड्यू टू बॉडी टेम्परेचर मॉइस्ट सरफेस ऑफ द मिड गट एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट और एसिडिक पीएच ऑफ द गट लेट मी सी किसने आंसर दिया है कैसे एक्टिवेट होगा बच्चों यस वर्षा नेहराद हरजीत सोहित मनिकर्णिका एब्सोल्युटली करेक्ट ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट हम कर चुके हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बीटी टॉक्सिन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन एंड द प्रोसेस ऑफ आवर फॉर्मेशन ऑफ गोल्डन राइस वी हैड डिस्कस तो यहां से बच्चों मुझे प्रूव हो गया है कि जब आपने इनका करेक्ट आंसर दे दिया कि बच्चे ध्यान से सुन रहे थे है ना बच्चे आर मल्टी टास्कर्स आपस में बातें भी चल रही है बट हाँ सब समझ भी आ रहा है लेकिन हम आने वाली सेशन में ये बातें थोड़ी कम करेंगे और यहां पर समझेंगे और अच्छे से ठीक है बच्चों चलिए सो इट्स टाइम फॉर आवर डेली क्विज आपको पता है क्विज कैसे ज्वाइन करना है जो नए बच्चे आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस क्विज के लिए बच्चों आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप चाहिए तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो नीट यूजी कैटेगरी में चले जाइए ठीक है नीट यूजी कैटेगरी में जाने के बाद यू हैव टू गो टू प्लस सेक्शन किस सेक्शन में जाना है प्लस में याद रखना है सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस बट स्टिल यू हैव टू क्लिक ऑन प्लस प्लस में जाने के बाद बच्चे आप क्लिक करेंगे टेस्ट पर नीचे लिखा हुआ छोटा सा टेस्ट पे जाएंगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ज्वाइन क्विज किस पे जाना है ज्वाइन क्विज पे जैसे ही ज्वाइन क्विज पे जाएंगे दे विल आस्क यू टू एंटर द कोड मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ बिल्कुल फ्री क्विज है बस लैपटॉप पे नहीं चलती है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे चलती है तो मैं आपके साथ कोड शेयर करने वाली हूँ जो चैप्टर्स आप कर चुके हो ना उन्हीं चैप्टर्स का क्विज होगा भागना नहीं है ये सारे स्टेप्स फॉलो करके अपनी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप खोल लीजिए फटाफट और एक बात बता दूं कल भी आपकी एक क्विज होने वाली है सुबह 10 बजे किसका क्विज होगा बच्चे स्ट्रैटेजीज का नॉट स्ट्रैटेजीज योर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का कल सुबह मैं क्विज लूंगी 10 बजे अभी के लिए बच्चों जो कोड है Let me just share the code with you. आज क्या है फ्राइडे है सो टूडे इज फ्राइडे क्विज सो द कोड फॉर टूडेज क्विज इज 947125 आ जाइए 947125 सब बच्चों को मैं बता दूं दिस इज कंप्लीटली फ्री क्विज लेकिन चलेगी कहाँ पर फोन में चलेगी ऐप में चलेगी इट विल नॉट वर्क ऑन लैपटॉप सो डोंट ट्राई आपको क्या करना है फोन लेके आइए अगर आपके पास नहीं है तो अपने पेरेंट्स से आप 15 मिनट के लिए बोरो कर सकते हैं है ना फोन लेके आइए डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद कहाँ जाना है नीट यूजी सेक्शन में जाना है कहाँ जाना है ठीक है
नीट यूजी सेक्शन में जाइए, प्लस में जाइए, टेस्ट में जाइए, ज्वाइन क्विज पे क्लिक करिए एंड देन बच्चों एंटर द कोड. आज का सेशन जिस जिसको अच्छे समझ आया ना, डू लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. बच्चों जैसे ही वीडियो ओवर होता है ना, लाइव वीडियो, आपके पास कमेंट सेक्शन ओपन हो जाता है, तो वहां पर यू शुड शेयर योर फीडबैक. आई पर्सनली रीड कमेंट्स ओवर देयर. तो जिसको जैसा लगता है आप जरूर अपने कमेंट्स आप कमेंट सेक्शन में छोड़कर जाया कीजिए एंड जॉइन द क्विज. आई कैन सी स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग. दिस इज अ स्केड्यूल बच्चे ऑफ आवर स्पेशल क्लास. आज मैं एक स्पेशल क्लास लेने वाली हूँ. द टाइमिंग्स आर 7:45 अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर. जिन बच्चों ने कल का फेज टू का पेपर सॉल्व नहीं किया है वो आ जाइए. 2021-2022 वाले बच्चे डिटेल्ड पेपर सॉल्व करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, पूरा ऑपरेशन करके रख देंगे कि क्या क्या आया था, किस चैप्टर में से कैसा था, कैसे उस चीज को सॉल्व करना है. सो टुडे माई स्पेशल क्लास इज एट 7:45. यू कैन अटेंड दैट कंप्लीटली फ्री क्लास अगेन ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. वहां जाकर बच्चों आप मुझे सर्च करिएगा मेरे नाम से. माई नेम इज सी पाउजा. ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ. My name is Seep Pauja and follow me over there. ताकि आपको मेरी हर स्पेशल क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे. And another thing बच्चों, हमारी लाइव सीरीज डेली लाइव 2.0 सीरीज इज रनिंग. मंडे ट्यूजडे वेंसडे इट्स 5 PM, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अगेन वी मीट हियर एट 5 PM फॉर क्लास 12. टेलीग्राम चैनल इस लिंक पे जाके जरूर ज्वाइन कर लेना. सारे PDFs के लिए गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ माई सेशन एंड बच्चे गेट द PDFs फ्रॉम देयर. टॉकिंग अबाउट सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज बच्चे यहाँ पर सारी क्लासेस क्या होती हैं, लाइव होती हैं, जिनमें आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो. जो चीज यूट्यूब में शायद ना मिल पाए आपको, कि पर्सनलाइज वे में बात करना, डाउट्स पूछना, पोल्स में पार्टिसिपेट करना, लीडर बोर्ड, योर अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन टेस्ट सीरीज बच्चों, एनालिसिस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस वुड बी देयर. प्रॉपर बैचेस मिलते हैं सब्सक्रिप्शन में. जैसे हमारा क्लास 11th का बैच चल रहा है, 12th का भी चल रहा है, ड्रॉपर्स बैच इज ऑल्सो गोइंग ऑन. तो एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ना बच्चों आप मल्टीपल बैचेस में हिस्सा ले सकते हैं, मल्टीपल बैचेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एंड वन अनदर थिंग, दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू. मैं आपको इतने दिन से बोल रही थी कि प्राइस हाइक होने वाला है, आप मान ही नहीं रहे थे. सो नाउ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन हैज कम दैट इट विल इंक्रीज. कब? इफेक्टिव फ्रॉम 24th of October. यस बच्चों, 24th of October से प्राइसेस बढ़ जाने हैं. तो अब रिजल्ट भी आ गया है, आपने जो भी सोचा है, अगर आप नीट के लिए सीरियस है, करना चाहते हैं, सो दिस इज द टाइम. जितना जल्दी करेंगे एक तो पुराने प्राइसेस में ले पाएंगे, साथ ही में बच्चे आपका बैकलॉग भी क्या होगा, कम होगा. और एग्जिस्टिंग प्राइसेस में आपको ऑफ मिल सकता है. इफ यू विल यूज दिस कोड सीप लाइवा तो आपको क्या मिलेगा, 10% ऑफ ऑन द टोटल अमाउंट. वही प्रोसेस है, गो टू अनअकैडमी लर्निंग. आप चाहिए प्लस में नीट यूजी एंड देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन. द कोर्स फॉर यू इज 1 ईयर एज वेल एज 2 ईयर कोर्स. ठीक है, जो बच्चे 2021 जो ड्रॉपर भी है ना, जिन्होंने आज डिसाइड किया है कि मैं अगले साल दोबारा कोशिश करूंगा, बहुत अच्छी बात है. कोशिश करना, अपने ड्रीम्स की तरफ काम करना जरूरी भी है. उनको भी बच्चे 6 महीने का कोर्स ये सोच के नहीं लेना चाहिए कि मई में पेपर होगा. यू नेवर नो, मई के बाद भी जा सकता है क्योंकि इस साल का पेपर डिलेड था. दे शुड ऑल्सो गो फॉर 1 ईयर कोर्स बिकॉज इन्हीं का अमाउंट सबसे कम है. इसी में आप अपनी प्रॉपर तैयारी, सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे. और इसमें बच्चे अमाउंट और कम हो सकता है इफ यू विल यूज द कोड सीप लाइफ. अब ये कोड यूज करने से बच्चे 10% ऑफ तो होता ही होता है. मेरे साथ साथ सबके लेक्चर देखते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कोर्स सिर्फ मैम का सेशन देखेगा. नो, ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द सेशंस 11th 12th, ऑल विल बी विजिबल टू यू. ठीक है, एंड नाउ वी हैव लॉन्च्ड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक में यू गेट अ पर्सनलाइज्ड कोच. इस आइकॉनिक में भी बच्चों यू कैन गेट 10% ऑफ इफ यू विल यूज द कोड सीप लाइव. ठीक है, ये सब बेनिफिट्स हैं. पर्सनलाइज्ड कोच है ना, हमें जरूरत होती है जब एंड में बच्चों पता नहीं चलता कि क्या मिस्टेक रह गई, कैसे ठीक करना चाहिए था, एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट. सो पर्सनलाइज कोच जो आपको गाइड करेंगे, आपके साथ एनालिसिस करेंगे आपके टेस्ट का, आपको टाइम टू टाइम स्ट्रेटजीज बताएंगे, स्टडी प्लानर मिलेगा बच्चे, वर्कशॉप्स होंगी, एवरीथिंग इन द आइकॉनिक. ठीक है, तो आज का सेशन अच्छा लगा तो जरूर लाइक. एंड दीज आर आवर अदर चैनल्स, जस्ट नीट, नीट वॉइस, टॉपर्स, नीट तेलुगु, इनको भी जरूर सब्सक्राइब करिए. कोड मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट द क्विज. ठीक है, हमारा कोड क्या है एक बार दोबारा लिख देती हूँ. जो बच्चे नए आए हैं, जिन्होंने नहीं नोट किया था वो देख लेना. ठीक है, दिस इज आवर कोड. मैं क्विज स्टार्ट करने वाली हूँ, आप जरूर ज्वाइन करिएगा. एंड वी आर गोइंग टू मीट वंस अगेन इन आवर स्पेशल क्लास टुडे एट 7:45. तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बाय बाय.